इस फिल्म के पहले सीन में दिखाया जाता है एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के को गांव का चौकीदार उसको पकड़ के उसके मुंह पर कालिख लगा रहा होता है। गांव के तमाम बच्चे बूढ़े जवान इस घटना को देख रहे होते हैं। उस पागल लड़के के गले में घंटियां भी पड़ी हुई होती हैं। फिर उसके पैर में खाली डब्बों को बांध दिया जाता है। फिर कुछ बच्चे हाथों में आग लगी हुई लकड़ियां लाते हैं और उसको डराते हैं। तभी वह भागने लगता है। बच्चे उसके पीछे भागते हैं। तभी एक बुजुर्ग आकर उनको डांटते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस गांव में पागलपन एक नॉर्मल चीज है। बच्चे उसको अपना मनोरंजन का साधन मानते हैं। यह एक बहुत छोटा गांव है। फिल्म 1969 में बनी है तो ईरान की रियल लोकेशन दिखाई जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम हसन होता है, जिसके पास एक गाय होती है जिसको वह गांव के बाहर चरा रहा होता है। फिर एक जगह एक तालाब में हसन अपनी गाय को नहलाता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि हसन अपनी गाय से बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है, उसको इंसान ही समझता है। जिस तालाब के पानी से गाय को नहला रहा होता है उसी पानी से खुद को भी नहलाता है। जो पानी वह अपनी गाय को पिला रहा होता है उसी तालाब का पानी खुद भी पीता है। वह गाय और खुद में कोई फर्क नहीं रखता। गाय को जब कपड़े से पोंछ रहा होता है और खुद को भी उसी कपड़े से पोंछता है तभी उसे बुलरीस दिखाई देते हैं। बुलरीस एक गिरोह है जो गाय को रात में दिन में जब भी उनको मौका मिलता है उसका गला काट देते हैं। उनको देखते ही हसन बिल्कुल डर जाता है और अपनी गाय को लेकर सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है हसन गाय को लेकर गांव पहुंच जाता है। गांव में एक छोटा सा होटल भी होता है। वहां पर हसन बताता है कि पुलिस के गिरोह की नजर मेरी गाय के ऊपर है। सभी लोग डर जाते हैं। फिर गांव वाले कहते हैं तुमको अपनी गाय अब चराने के लिए गांव से बाहर ले जाना रोकना होगा। वैसे भी इस गांव में अब तुम्हारी ही एक अकेली गाय बची है। अगर इसको कुछ हो गया तो छोटे बच्चों के दूध का इंतजाम कैसे होगा। इतनी बात सुनकर हसन बिल्कुल डर जाता है और सीधा अपनी गाय को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है हसन अपनी गाय को गौशाला में बांध देता है। अंधेरा होने के कारण लालटेन की रोशनी से वह अपने गाय के चारों तरफ देखता है कि कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज तो नहीं है। यहाँ पर दिखाया जाता है हसन जब गाय चारा खा रही होती है तो उसके साथ खुद भी उसका चारा खाने लगता है। एक तरह से वह अपनी गाय के प्रति बिल्कुल पागल सा था। खुद में और गाय में उसे कोई फर्क नहीं दिखता था। यहाँ तक कि उसके पास ही सोता था। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह को गाय को पानी देने के बाद हसन शहर की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसकी गाय को बच्चा होने वाला था और वह उस बच्चे के लिए कुछ सामान लेने के लिए शहर जाना चाहता था। वह बिल्कुल सुबह ही निकल जाता है। अब अगले सीन पर दिखाया जाता है हसन की पत्नी अचानक गांव के बीच आकर चीख पुकार करने लगती है, रोने लगती है। गांव के सारे बूढ़े बच्चे जवान उसकी तरफ दौड़ते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। वह बताती है वह सुबह हसन के जाने के बाद गौशाला जाती है तो गाय धरती पर गिरी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून था। गांव वाले दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि गाय का किसी ने गला काट दिया। चारों तरफ खून ही खून। हसन और उसके दोस्त ये चेक करते हैं कि कहीं गाय की सांस तो नहीं चल रही। उन्हें पता चलता है गाय अब नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग डर जाते हैं कि अगर हसन को ये बात पता चली तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। फिर सभी लोग फैसला करते हैं कि हम उसको बताएंगे ही नहीं, अगर वो पूछेगा तो हम कहेंगे उसकी गाय कहीं भाग गई और इसकी लाश को गांव के बाहर भी नहीं फेंकेंगे वरना हसन को पता चल सकता है। इसलिए वह गाय को गांव के बीच बने तालाब के पास एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देते हैं। सभी बच्चों को बूढ़ों को महिलाओं को समझा दिया जाता है कोई भी हसन को ये नहीं बताएगा कि उसकी गाय अब नहीं रही। अगर वह पूछे तो सिर्फ ये बताना है कि गाय कहीं भाग गई। उसकी पत्नी को भी ये बात समझा दी जाती है पर उस विक्षिप्त लड़के को समझाना मुश्किल था। इसीलिए हसन के दोस्त और चौकीदार उसको ले जाकर एक खंडर में बांध देते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि हसन शहर से वापस आ रहा होता है। गांव की मुंडेर पर बैठा एक व्यक्ति बस यही देख रहा होता है कि हसन कब आए
जब उसे दिखता है कि हसन आ रहा है, वह दौड़कर गांव के बीचों बीच जाता है और सबको बताता है, हसन आ रहा है। हसन गांव में आता है, तब वह नोटिस करता है सभी लोग उसको इग्नोर करते हैं। पूरा गांव घरों से छुपकर उसे देखता है, बच्चे हो बूढ़े हो सभी लोग उस पर एक घूरती हुई निगाह से देख रहे हैं। इन सबके बीच हसन अपने घर पहुंचता है और पीने के लिए पानी मांगता है। पानी पीते ही वह पूछता है, क्या तुमने सुबह गाय को पानी पिलाया? उसकी पत्नी कुछ नहीं जवाब देती और अपना पानी रखकर सीधा बाल्टी लेने को भागता है। सीधा तालाब पर जाता है और पानी भरता है। गांव वाले देखते हैं कि ये अपने गाय को पानी पिलाने के लिए जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त इस्लाम उसे बताता है कि तुम्हारी गाय कहीं भाग गई है हसन। हसन के हाथ से पानी की बाल्टी छूट जाती है और वह वहीं बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वह चुपचाप उठता है और वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि हसन सीधा अपनी गौशाला जाता है और सोचता है ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और वह जब अंदर जाता है तो गाय नहीं होती और फूट फूट कर रोने लगता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव के उसके दोस्त उसके घर आते हैं उसका हालचाल पूछने। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हसन अपने गौशाला के पास टीले पर बैठा है। दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हारी गाय वापस आ जाएगी हसन। फिर हसन पीछे मुड़कर इस्लाम से कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इस्लाम कहता है, कैसा झूठ हसन? हसन कहता है, मेरी गाय मुझे छोड़कर कहीं भाग ही नहीं सकती। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हसन अब खुद को ही एक गाय समझने लगता है और कहता है, मैं यहीं बैठा रहूँगा क्योंकि बुलरीस मेरी गाय को मार देंगे, तुम लोग जाओ। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूरा गांव हसन को समझाने आता है। वह खिड़की से देखते हैं तो हसन अपने गाय की नांद पर लेटा होता है। गांव वाले कहते हैं, हसन तुम्हारी गाय वापस आ गई है, मैंने उस पहाड़ी के पास तुम्हारी गाय को देखा है। इस बात को सुनते ही हसन पीछे मुड़कर देखता है। गांव वाले देखकर बिल्कुल तंग रह जाते हैं क्योंकि हसन अपनी गाय का बचा हुआ चारा खा रहा होता है, वह घास खा रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है गांव वाले उसको समझाते हैं कि ना तो तुम्हारी पूंछ है ना सींग है, तुम गाय नहीं हो, तुम हमारे जैसे हो, इंसान हो। तभी वह अपने सिर को एक दीवार में मारने लगता है जैसे उसकी गाय मारती थी। फिर अचानक उठकर रोशनदान से आती हुई रोशनी को देखकर बोलता है, मुझे बचाओ हसन, मुझे बचाओ, ये बुलरीस मुझे मार देंगे, बचाओ हसन बचाओ। यहाँ पर दिखाया जाता है हसन ये महसूस करने लगता है कि जिस वक्त उसकी गाय को बुलरीस ग्रोह ने मारा होगा, मेरी गाय भी ऐसे ही चीख चीख कर मदद मांग रही होगी। सभी गांव वाले मायूस होकर लौट जाते हैं क्योंकि हसन बिल्कुल पागल हो चुका था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव के सभी लोग एक खास दिन पर अपने घर के गुजर चुके लोगों की कब्र पर मातम मना रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। वहां पर हसन के दोस्त भी बैठे होते हैं और इस्लाम कहता है, हसन 10 दिन से गौशाला से बाहर नहीं आया, वह बहुत बीमार है, घास खाकर उसकी हालत बदतर होती जा रही है, अगर शहर इलाज के लिए नहीं ले गए तो वह मर जाएगा। फिर सभी लोग फैसला करते हैं कि कल सुबह इसको इलाज के लिए शहर ले जाएंगे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है हसन के दोस्त सुबह उसके घर पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं वह गौशाला में सो रहा होता है। तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और बाहर लाने की कोशिश करते हैं, पर हसन बिल्कुल पागल हो चुका था, वह उनसे छूटकर भागने लगता है। तभी उसके दोस्त उसको पकड़ते हैं और उसको रस्सियों से बांध लेते हैं, फिर उसको खींचकर गांव के बाहर ले जाते हैं। वह बिल्कुल जानवरों की तरह रुक रुक कर चलता है, जैसे कोई जानवर जब कहीं नहीं जाना चाहता तब वह रुक रुक कर चलता है। गांव के बाहर एक टीले पर आकर हसन रुक जाता है जहाँ उसकी गाय हमेशा आकर रुक जाया करती थी। तीनों दोस्त परेशान हो जाते हैं तो इस्लाम एक डंडे से हसन को पीछे से मारता है, गुस्से में आकर मारता ही जाता है और कहता है, जानवर कहीं का, आगे बढ़ जानवर। ये सब और ये डंडे की चोट के बाद हसन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी गाय की तरह बिल्कुल रमाता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है।
तीनों दोस्त वहीं बैठकर अफसोस करने लगते हैं। उसकी पत्नी छत पर चढ़कर उसका इंतजार करती रहती है और फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई और इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।